गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एचआर चौधरी आपका स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं। अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं को समझने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। दिशा, सामान्य रूप से जब हम बात करते हैं तो दिशाएं चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? चार प्रकार की: उत्तर, पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम, ठीक है। कैसे होती है ये? उत्तर, पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम। लेकिन जब हम भूगोल के संदर्भ में बात करते हैं तो दिशाएं चार न होकर के आठ प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? आठ प्रकार की। कौन कौन सी? उत्तर तथा पूर्व के मध्य जो दिशा है इसे कहा जाता है उत्तर पूर्व, ठीक है। दक्षिण तथा पूर्व के मध्य जो दिशा है उसे कहा जाता है दक्षिण पूर्व। पश्चिम और दक्षिण के मध्य जो दिशा है इसे कहा जाता है दक्षिण पश्चिम। उत्तर तथा पश्चिम के मध्य जो दिशा है उसे कहा जाता है उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो इस प्रकार से आठ दिशाएं होती है। कौन कौन सी? उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये चार तो प्रमुख हैं। और उत्तर पूर्व, उत्तर तथा पूर्व के मध्य, दक्षिण पूर्व, दक्षिण तथा पूर्व के मध्य, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण तथा पश्चिम के मध्य, उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा पश्चिम के मध्य। देखिए, रीट में एक बार क्वेश्चन आया, ए बिंदु किस दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ऑप्शन वही उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसलिए कहा जाता है कि हमें ये क्वेश्चन करने के लिए क्या होना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो दिशा में यहाँ पे ए बिंदु किस दिशा को प्रदर्शित कर रहा है? पूर्व दिशा को, ठीक है। तो भूगोल के संदर्भ में हमने पढ़ा कि दिशाएं आठ प्रकार की होती है। कौन कौन सी? उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब हम बात करते हैं अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं की, ठीक है। सबसे पहले अक्षांश, यदि हम भूगोल के संदर्भ में अक्षांश की बात करते हैं तो अक्षांश की परिभाषा है ग्लोब पर किसी स्थान तथा ग्लोब पर किसी स्थान तथा भूमध्य रेखा के प्रधान यामयोत्तर अथवा ध्रुव वृत्त के चाप की अंशों में मापी गई दूरी को अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। क्या है भूगोल के संदर्भ में अक्षांश की परिभाषा? ग्लोब पर किसी स्थान तथा,
भूमध्य रेखा के प्रधान याम्योत्तर अथवा ध्रुव वृत्त के चाप की अंशों में मापी गई दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, कैसे मापते हैं दूरी को, देखिए मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा, ठीक है, क्योंकि यह पृथ्वी या ग्लोब के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। यहां पर पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है, इस केंद्र से यह वाला कोण कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, इसी प्रकार यहां से यहां वाला कोण भी कितना है, 90 डिग्री, यहां पर है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और यहां पर है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। हम अक्षांश की बात कर रहे हैं, अक्षांश है ग्लोब पर किसी स्थान तथा भूमध्य रेखा के प्रधान याम्योत्तर अथवा ध्रुव वृत्त के चाप की अंशों में मापी गई दूरी, ठीक है। देखिए यहां से अगर हम मान लीजिए इस स्थान का कोण मान लीजिए कितना है, 10 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री अक्षांश। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी, तो ये उत्तरी अक्षांश, ठीक है। मान लीजिए यहां का कोण 23.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो ये जो कोण मापे जाते हैं कहां से, पृथ्वी के केंद्र से, इन्हें कहा जाता है अक्षांश। देखिए ये द्विविमीय चित्र है, द्विविमीय चित्र क्या होता है, जब हम लंबाई तथा चौड़ाई के संदर्भ में आकलन करते हैं, लेकिन जो ग्लोब है वह त्रिविमीय है। त्रिविमीय क्या होता है, जब हम लंबाई तथा चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई के संदर्भ में भी आकलन करते हैं, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी है, ग्लोब है हमारा, ग्लोब पर अगर एक 23 डिग्री 23.5 डिग्री का स्थान यहाँ है, तो ये पॉइंट यहां भी होगा, यहां भी होगा, इस प्रकार से ये यहां पर होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, अक्षांश कहलाते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखा क्या होती है, तो भूमध्य रेखा से समान दूरी पर स्थित अक्षांशों को या समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक है। समान अक्षांश मतलब यहां पर 23.5 डिग्री के अक्षांश है, तो इनको मिलाने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। अगर 10 डिग्री के अक्षांशों को मिला रही है तो यह कहलाएगी हमारी 10 डिग्री की अक्षांश रेखा। देखिए दोस्तों ये जो हमने परिभाषा पढ़ी ये प्योर भूगोल मतलब प्योर ज्योग्राफी की परिभाषा है, लेकिन अगर हम जीके के संदर्भ में बात करते हैं तो हमें इतनी कठोर परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम एक सिंपल सी परिभाषा भी याद कर सकते हैं कि अक्षांश रेखा क्या होती है, तो ग्लोब पर अथवा मानचित्र पर, कहां पर, ग्लोब पर अथवा मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कीजिए इसको, किसे कहा जाता है अक्षांश रेखा, कि ग्लोब अथवा मानचित्र पर, ठीक है, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब पर कहां से, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, एक शब्द बोला मैंने काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। इन्हें काल्पनिक रेखाएं क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो अक्षांश रेखाएं होती है वो हमें धरातल पर दिखाई नहीं देती है, यह केवल कहां पे खींची जाती है, ग्लोब अथवा मानचित्र पर खींची जाती है, इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, काल्पनिक रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। तो क्या परिभाषा पढ़ी हमने, ग्लोब अथवा मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक है।
जब हम इनकी विशेषताओं की बात करते हैं तो देखिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ग्लोब अथवा भू के बिल्कुल मध्य से होके गुजरती है, इस कारण इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि विषुव क्या होते हैं? वह स्थान जहां पे दिन तथा रात की लंबाई बराबर होती है उसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिस कारण यहाँ पे दिन तथा रात की लंबाई बराबर होती है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। यह भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। उत्तर वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाला भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या पढ़ा हमने? कि भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा इस ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। जब हम इन अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं की बात करते हैं तो देखिए, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर खींची गई रेखाएं होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं खींची जाती है एक दूसरे के समानांतर। तो क्या है विशेषता इनकी? अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर खींची गई रेखाएं होती है, इस कारण अक्षांश रेखाओं को पैरेलल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरेलल भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता है, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं। ठीक है, सभी अक्षांश रेखाएं क्या होती है? पूर्ण वृत्त होती हैं। पूर्ण वृत्त से तात्पर्य है कि यह पूरे ग्लोब को कवर करती हैं। ठीक है, ग्लोब है तो यहां से खींची जाती है, ये पूरे के पूरे ग्लोब को कवर करती है, इस कारण अक्षांश रेखाओं को क्या कहा जाता है? पूर्ण वृत्त कहा जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, ठीक है, यहां पर है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और यहां पर है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। देखिए, यह विषुवत रेखा, इसके बाद जैसे जैसे हम इससे ऊपर की तरफ ध्रुवों की ओर जाएंगे, इनकी लंबाई क्या होती जाएगी? कम होती जाती है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। यहां पर है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तथा यहां पर है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। यह दोनों रेखा के रूप में ना होकर किसके रूप में होते हैं? एक बिंदु के रूप में होते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है कि 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव रेखा के रूप में न होकर के किसके रूप में होते हैं? बिंदु के रूप में होते हैं। ठीक है, अभी हमने अक्षांश रेखा की परिभाषा पढ़ी थी, तो अक्षांश रेखा क्या होती है? समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव एक बिंदु के रूप में है और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव भी एक बिंदु के रूप में है। ठीक है, तो परीक्षा में अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि कुल अक्षांश रेखाएं
कितनी है? सवाल पे ध्यान दीजिएगा, हम यही गलती कर देते हैं कि हम सवाल को ध्यान से पढ़ते नहीं है, ध्यान से समझते नहीं है और हम उसको अटेम्प्ट कर देते हैं। सवाल है कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कुल अक्षांशों की। जब हम कुल अक्षांशों की बात कर रहे हैं तो 0 से लेकर 90 तक उत्तर में और 0 से लेकर 90 तक दक्षिण में, ठीक है? प्लस 1 0 डिग्री स्वयं अक्षांश है, तो एक ये, तो कुल कितने हो गए? 181। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुल अक्षांश कितने हैं तो कितने, 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ पे 90 तक 90, 1 2 3 4 5 6 करके 90 तक 90। 90 तो है आपके उत्तरी गोलार्ध में तथा 90 है आपके दक्षिणी गोलार्ध में, तो 90 प्लस 90 180 प्लस 1 0 डिग्री खुद अक्षांश है, ठीक है? तो कितने हो गए? 181। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखा कितनी है, अब ध्यान दीजिएगा, हम यहीं पे गलती कर देते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि अक्षांश रेखा कितनी है, तो आराम से देखिए, 90 अक्षांश तो हमने उत्तरी गोलार्ध में पढ़े, 90 अक्षांश हमने दक्षिणी गोलार्ध में पढ़े, प्लस 1 0 डिग्री, तो कुल कितने हुए थे? 181 तो अक्षांश हुए। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव रेखा के रूप में न होकर के किसके रूप में है? एक बिंदु के रूप में है, इस कारण यहाँ पे रेखा नहीं खींची गई है। अगर यहाँ पर रेखा नहीं खींची गई है तो इस 181 में से 2 माइनस कर देंगे तो कुल कितना आएगा? 179, ठीक है? आया समझ में? क्या पढ़ा हमने का उत्तरी ध्रुव जो है वो एक बिंदु के रूप में स्थित है तथा दक्षिणी ध्रुव भी एक बिंदु के रूप में स्थित है, यहां पर रेखा नहीं खींची गई है, ठीक है? इस कारण क्या होंगे? कुल अक्षांश कितने हैं? 181। और जब हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो कुल अक्षांश रेखाएं हैं हमारी 181 में से 2 माइनस कर लेंगे तो 179, ठीक है? तो जब कभी भी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान देना है कि हमसे अक्षांश पूछा गया है अथवा अक्षांश रेखाएं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी एक समान होती है, ठीक है? ये देखिएगा कि कोई सी भी दो अक्षांश रेखाएं, चाहे वो 1 डिग्री और 2 डिग्री हो, चाहे वो 30 डिग्री या 31 डिग्री हो, चाहे वो 70 डिग्री या 71 डिग्री हो, कोई भी दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी समान होती है, ठीक है? और वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर, ठीक है? तो सभी अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी एक समान होती है और कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं कि इन अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध अथवा जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध अथवा जोन कहा जाता है, ठीक है? आपने नाम सुना होगा उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध, ठीक है? तो क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को जोन कहा जाता है। क्या पढ़ा हमने? पहली चीज देखिए, भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा ग्लोब को 2 समान भागों में विभाजित करती है, उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है? सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर रूप से खींची जाती है एक दूसरे के, इस कारण इनको पैरेलल भी कहा जाता है, ठीक है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है, ठीक है? अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी एक समान होती है और वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को जोन अथवा कटिबंध कहा जाता है। कुल अक्षांशों की संख्या होती है 181 तथा कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 179, ठीक है? तो यह है हमारी प्रमुख अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं।
इसके बाद बात करते हैं हम प्रमुख अक्षांश रेखाओं की। तो देखिए, प्रमुख रूप से जब हम अक्षांश रेखाएं पढ़ते हैं तो पांच प्रकार की अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा। इसके बाद आती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है, इसे कहा जाता है कर्क रेखा, इंग्लिश में इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे कहा जाता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे कहा जाता है कर्क रेखा, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है। इसके अलावा एक है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे कहा जाता है आर्कटिक वृत्त, ठीक है। इसी प्रकार से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है आर्कटिक वृत्त, तथा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त। हमने ये पढ़ा कि कुल अक्षांश रेखाएं 179 होती है, फिर भी केवल इन्हीं को क्यों नाम दिया गया? तो देखिए, पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा कि 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है, इस कारण यहाँ पे दिन तथा रात की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। और जब दिन तथा रात की लंबाई बराबर होती है तो उस स्थिति को विषुव कहा जाता है, इसी कारण इसे विषुवत रेखा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कहां पर? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कितनी तारीख को सीधी पड़ती है? 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। जब सूर्य की किरणें इस कर्क रेखा पे सीधी पड़ती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। तो ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह सूर्य की किरणें सीधी पड़ने की लास्ट लिमिट है, अर्थात इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। इस कारण इसको क्या कहा गया? कर्क रेखा कहा गया। क्यों? देखिए, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा लास्ट लिमिट है, इसके पश्चात सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, ठीक है। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ठीक है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहां पर सीधी पड़ती है? मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा अर्थात 23.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश रेखा वह आखिरी लिमिट है जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से नीचे की तरफ सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में तथा मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में आखिरी लिमिट है जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तथा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा की। देखिए, जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है, कितनी तारीख को, 21 जून को जब सूर्य की किरणें इस कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा वह अंतिम बिंदु या अंतिम रेखा होती है जहां तक सूर्य की किरणें पहुंच पाती हैं, ठीक है। इसके पश्चात सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं। कब नहीं पहुंचती है, 21 जून को जब सूर्य की किरणें सीधी कहां पे पड़ रही हैं, कर्क रेखा पे पड़ रही है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा वह अंतिम बिंदु है जहां तक सूर्य की किरणें पहुंच रही है। इसके पश्चात यहां पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है, इस कारण यहां पे क्या हो जाती है, 24 घंटे की रात्रि। आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है तथा 6 महीने की रात्रि होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से नीचे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। 22 दिसंबर को जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पे सीधी पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में आ गए हम, ठीक है। तो 22 दिसंबर को जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पे सीधी पड़ती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री वह अंतिम बिंदु होता है जहां तक सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। क्या पढ़ा हमने, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा अंतिम बिंदु है जहां तक सूर्य की किरणें पहुंचती है। जब 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पे सीधी पड़ती है, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा वह अंतिम बिंदु है जहां तक सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। इसके पश्चात सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है, जिस कारण हम क्या पढ़ते हैं कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है तथा 6 महीने की रात होती है। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी गोलार्ध में कहा जाता है आर्कटिक वृत्त, तथा दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको इसमें कोई भी संशय या दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अथवा संशय लिखकर पूछ सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान शीघ्र अतिशीघ्र किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं, तो देखिए अक्षांश रेखाओं में से एक प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, या फिर निम्न में से किस देश से होकर मकर अथवा विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस किस देश से अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। सारी अक्षांश रेखाएं याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, वो प्रमुख अक्षांश रेखा कौन सी, कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा। देखिए, इस चीज को रटेंगे अगर आप तो आपके सवाल गलत होने के ज्यादा चांस है। बिल्कुल कठिन नहीं है, इसमें केवल हमको विश्व मानचित्र देखना आना चाहिए, ठीक है। इस चीज को सीखने के लिए सबसे पहले आप अपना एटलस अपने साथ रखिए, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से होके कर्क रेखा गुजर रही है, कहाँ से होके मकर रेखा गुजर रही है, कहाँ से होके विषुवत रेखा गुजर रही है, आप केवल एटलस में देखते जाइए। 2-3 बार अगर आप इस चीज का अभ्यास करेंगे तो हमें ये चीज आसानी से याद हो जाएगी और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विषुवत रेखा की, ठीक है, कौन सी रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा किसे कहा जाता है, 0 डिग्री
अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, जब हम विषुवत रेखा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आ जाएंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में पढ़ेंगे हम? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, जब हम दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहे हैं तो आप अपने एटलस में देखिए, सबसे पहले इक्वेडोर। ठीक है, इक्वेडोर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे स्थित देश है। ठीक है, इक्वेडोर से यूं चलेगी दिशा, ये सॉरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो इक्वेडोर के बाद ये पहुंचती है कोलंबिया में, और कोलंबिया के बाद ये आ जाती है ब्राजील में। ठीक है, आराम से एटलस में देखिए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे सबसे पहले है इक्वेडोर, वहां से विषुवत रेखा चल रही है, उसके पश्चात आ जाती है ये कोलंबिया में, और कोलंबिया के पश्चात ये ब्राजील से होते हुए अटलांटिक महासागर को पार करती है। ठीक है, अटलांटिक महासागर को पार करने के पश्चात यह पहुंच जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, जब हम अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत रेखा की बात कर रहे हैं तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे, देखिए आप यहां पर होगा साओ टोम तथा प्रिंसेप द्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे एटलस में देखिए साओ टोम तथा प्रिंसेप द्वीप है। ठीक है, इसके पश्चात गेबोन, गेबोन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पे स्थित एक देश है, गेबोन के बाद आ जाती है ये कांगो, कांगो के बाद कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य के पश्चात युगांडा। ठीक है, गेबोन, गेबोन से इधर की तरफ आप चलेंगे तो आएगा कांगो, कांगो के बाद कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य के पश्चात ये आ जाती है युगांडा में, युगांडा के बाद आप देखिए एक झील आएगी जिसका नाम है विक्टोरिया झील। ठीक है, कौन सी झील? विक्टोरिया झील। इस विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तब अफ्रीका महाद्वीप में हम पढ़ेंगे कि विक्टोरिया झील केनिया, तंजानिया तथा युगांडा की सीमा पर स्थित झील है, तथा यहाँ से नील नदी, नील नदी का नाम आपने सुना होगा, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो नील नदी का उद्गम कहां से होता है? विक्टोरिया झील से। युगांडा के पश्चात ये आ जाती है कीनिया में, और कीनिया के पश्चात ये आ जाती है सोमालिया में। ठीक है, सोमालिया देखिए आपका जो अफ्रीका महाद्वीप का सिरा है उसमें कॉर्नर में एक देश है सोमालिया। जो अफ्रीका महाद्वीप है अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हिस्सा निकला हुआ है इसे कहा जाता है अफ्रीका का श्रृंग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे 3 देश हैं, सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो कोना निकला हुआ है इसको कहा जाता है अफ्रीका का श्रृंग। और यहाँ पे देखिए एटलस में 3 देश हैं, इथोपिया, सोमालिया तथा जिबूती। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरी? साओ टोम, गेबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया तथा सोमालिया। ठीक है, इसके पश्चात यह आ जाती है एशिया महाद्वीप में, और जब हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो सबसे पहले ये मालदीव से होके गुजरती है, मालदीव के पश्चात यह है इंडोनेशिया से होके गुजरती है, तथा इंडोनेशिया के पश्चात यह है किरीबाती से होकर गुजरती है। तो यह वह देश है जहां से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। कहां कहां से? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इक्वेडोर, कोलंबिया तथा ब्राजील से, अफ्रीका महाद्वीप में साओ टोम,
तथा प्रिंसेप, उसके पश्चात गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, कीनिया तथा सोमालिया से, और एशिया महाद्वीप में मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती से होकर यह गुजरती है। इसके पश्चात हम बात करते हैं कर्क रेखा की। ठीक है, जब तक हम कर्क रेखा पढ़ रहे हैं आप इसको एक बार रिपीट कीजिए। कर्क रेखा किसे कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये कहां से होके गुजरती है? तो सबसे पहले हवाई द्वीप। देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम की तरफ देखिए, प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप स्थित है। इन हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराया भी कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात ये आ जाती है मैक्सिको, और मैक्सिको के पश्चात बहामास। ठीक है, आराम से अपना एटलस खोलिए, एटलस में आप देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। हवाई द्वीप से कर्क रेखा आती है और कहां पे प्रवेश करती है? मैक्सिको। मैक्सिको के पश्चात यह कैरेबियन सागर में प्रवेश करती है, और कैरेबियन सागर में क्यूबा जो देश है, एक छोटा सा देश है, उसके थोड़ा सा ऊपर से जाती हुई बहामास से होकर यह गुजरती है। आपने वेस्ट इंडीज द्वीप समूह का नाम सुना होगा। ठीक है, ये वेस्ट इंडीज भी यही कैरेबियन सागर में ही स्थित है। इसके बाद बात करते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप की। जब हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो सबसे पहले पश्चिमी सहारा। ठीक है, पश्चिमी सहारा एक देश है। इसके पश्चात मोरिटानिया, और मोरिटानिया के पश्चात माली। ठीक है, माली के पश्चात आपको दिखेगा अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद नीचे की तरफ देखिए, थोड़ा सा हिस्सा इसका नाइजर से होकर गुजरता है। नाइजर के पश्चात यह लीबिया के दक्षिणी भाग में होकर गुजरते हुए, थोड़ा सा हिस्सा इसका चाड देश से भी होकर गुजरता है। ठीक है, चाड के पश्चात यह आ जाती है सूडान, और सूडान के पश्चात मिस्र। ठीक है, इन देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, सूडान। ठीक है, और मिस्र। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चात यह प्रवेश करती है एशिया में। ठीक है, आप एटलस में देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के साइड में अरब का प्रायद्वीप है। ठीक है, अरब के प्रायद्वीप में देखिए कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले सऊदी अरब, सऊदी अरब के पश्चात यूएई जो संयुक्त अरब अमीरात है, वहां से फिर थोड़ा सा हिस्सा ओमान, तो यहां से होके अरब प्रायद्वीप से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से देश? सबसे पहले सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब के पश्चात संयुक्त अरब अमीरात, इसके पश्चात ओमान। इसके बाद यह अरब सागर से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। भारत से बांग्लादेश, बांग्लादेश से म्यांमार, म्यांमार से चीन, तथा चीन से ताइवान। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देशों से होकर गुजरी? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, ओमान से भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन तथा ताइवान। इन इन देशों से होकर कर्क रेखा अथवा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। कौन कौन से देश?
जब हम उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं तो हवाई द्वीप, उससे मेक्सिको, मेक्सिको से बहामास। जब हम अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा से मोरिटानिया, फिर आ जाएगा माली, फिर आ जाएगा अल्जीरिया, फिर आ जाएगा नाइजर, फिर लीबिया, चाड, सूडान और मिस्र। ठीक है, एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो सऊदी अरब, फिर यूएई, उसके पश्चात ओमान, फिर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन तथा ताइवान। इन इन देशों से होकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, फिर अंतिम रेखा बसती है हमारी मकर रेखा। देखिए सिंपल सी चीज है, मकर रेखा क्या पढ़ा हमने? साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, कहां कहां से गुजरती है? तो सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। जब हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें नाम याद रखिएगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया। ठीक है, यह जो फ्रेंच पॉलिनेशिया है यह प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप समूह है। ठीक है, फ्रेंच पॉलिनेशिया के बाद यह आ जाती है चिली में, चिली के बाद अर्जेंटाइना, अर्जेंटाइना के बाद पराग्वे, और पराग्वे के बाद ब्राजील। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये इन देशों से होके गुजरती है। कौन कौन से? फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया के बाद चिली, चिली के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद पराग्वे, और पराग्वे के बाद ब्राजील। इसके पश्चात यह अटलांटिक महासागर को पार करते हुए कौन से महाद्वीप में आ जाती है? अफ्रीका। ठीक है, जब हम अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो एटलस में आप नीचे की तरफ देखिए, सबसे पहले यह आएगी नामीबिया। ठीक है, नामीबिया के बाद बोत्सवाना। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कालाहारी मरुस्थल या बुशमैन जनजाति का, आपने नाम सुना होगा। तो कालाहारी मरुस्थल का विस्तार इन्हीं देशों नामीबिया तथा बोत्सवाना में विस्तृत है, और यहां पर बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। बोत्सवाना के पश्चात दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका देश से, इसके बाद मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद मोजाम्बिक चैनल को पार करते हुए यह आती है मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में पूर्व दिशा में स्थित एक द्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चात ये एशिया में जाती है, लेकिन एशिया के किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती है। इसके पश्चात यह आती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पार करते हुए यह टोंगा नामक द्वीप से होकर गुजरती है। तो यह देश है जहां से होकर मकर रेखा गुजरती है। कौन कौन से? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है फ्रेंच पॉलिनेशिया, फिर चिली, चिली के बाद अर्जेंटाइना, अर्जेंटीना के बाद पराग्वे तथा पराग्वे के पश्चात ब्राजील। जब हम अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में है नामीबिया, नामीबिया से बोत्सवाना, बोत्सवाना से दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका से मोजाम्बिक होते हुए मेडागास्कर। एशिया महाद्वीप के किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती है। इसके पश्चात आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा फिर टोंगा द्वीप। तो ये है हमारी अक्षांश तथा रेखाएं तथा उनकी विशेषताएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान शीघ्र अतिशीघ्र किया जाएगा।